एंटी रोमियो स्क्वाड पर सभी थानों पर अवैध शराब की गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए नामित सब इंस्पेक्टर की बैठक एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता की अध्यक्षता में पुलिस लाइन सभागार में संपन्न हुई। बैठक में एसएसपी ने निर्देश दिए कि छेड़छाड़ की घटनाओं तथा अवैध शराब कारोबारियों पर लोग लगाम लगाए, जिससे स्वच्छ समाज की स्थापना हो सके। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, दो हजार अठारह के टॉप पर हैं, दुलरिया 166 के साथ टॉप पर हैं। पता चलेगा टॉप 10 थाने कौन हैं जिसपे ज़्यादा ये चलता है। ठीक है, इस बार बहुत नीचे है भाई। कौन है चिल्वा ताल में सर? और आपके यहाँ पीआई में ही 34 नंबर है 59 में से, गलत बात है। पाँच साल का अवसर भी देगा ये गतिविधि ज्यादा है पिछले पाँच साल में, इस साल 22 को लगेगा ये औसत चल रहा है सही। बोला सर कम है, आपका एवरेज है कम से कम 50 के आसपास और 15 लगी है भाई अभी तो। अजनी आपके अभी कम है, पिछले सालों में 70-80 गई हैं और अभी तक 25 लगी है 7 महीने में, कहीं ना कहीं छुप रहा है आपका, थाना छुपा रहा है आपसे। एक मासिक समीक्षा बैठक है जो हम एंटी रोमियो टीम हैं सभी थानों में, आज की डेट में एंटी रोमियो टीम सक्रिय हैं, सीयूजी फ़ोन भी उनके सक्रिय हैं और इसी तरह से हर थाने में एक सब इंस्पेक्टर नामित किया गया था जो वहां के शराब की गतिविधियों पर नज़र रखता था, तो उनको भी आज मीटिंग करी गई, आज उनकी भी मीटिंग ली गई और मासिक समीक्षा की गई, किस लेवल पर कार्रवाइयाँ चल रही हैं, कहाँ बची हैं और उसमें क्या करने की गुंजाइश है, जिससे कि ये जो हमारे समाज की दो बुराइयाँ हैं, ये रोमियो एक्टिविटी, छेड़छाड़, ये इस तरह के बच्चियों के साथ जो घटनाएँ, उनको कम किया जा सके और ये शराब के ऊपर नियंत्रण बढ़ाया जा सके। ये विजिबल पुलिसिंग और ये बहुत ज़रूरी काम है जिससे हमारे समाज में सुरक्षा की भावना व्यापक रूप से बाहर आती है और लोगों में पुलिस और प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ता है।